हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर्स। सो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, जीमैन इफेक्ट, जिसमें हमारे पास नॉर्मल जीमैन इफेक्ट होता है, एनोमेलस जीमैन इफेक्ट होता है। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ वेक्टर एटम मॉडल की हेल्प से, जो कि हमारे पास क्वांटम ट्रीटमेंट है। सो ये जो टॉपिक है वेरी यूजफुल फॉर आपके एग्जाम के लिए, बीएससी एमएससी के लिए, प्लस जो है आईआईटी जैम के लिए, गेट के लिए या सीएसआईआर नेट के लिए। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में कितनी ट्रांजिशन लाइंस अलाउड हैं, वो सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। हमारे पास कैसे है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है। हमारे पास जो है कोई गैस फॉर्म में है, लाइट सोर्स है, तो यहाँ से हम अगर करंट पास कर रहे हैं क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है रेडिएशन एमिट होंगे। अगर हमारे पास रेडिएशन एमिट हो रहे हैं तो हम इनको स्पेक्ट्रोमीटर से, हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे, तो ये पर्टिकुलर किसी वेवलेंथ को कोर्सपोंड करेंगे। तो जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को कोर्सपोंड कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होती है, स्पेक्ट्रल लाइन होती है। हमारे पास लाइट सोर्स है, उससे हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिला। जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो ये लाइन स्पेक्ट्रम जो सिंगल लाइन थी वो किस में स्प्लिट हो रही है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में, तो स्प्लिटेड इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ये तो हमारे पास क्या हुआ, जस्ट जीमैन इफेक्ट, कि जो हमारे पास सिंगल लाइन थी लाइट सोर्स से मिल रही थी रेडिएशन एमिट होने के बाद, वो कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर गई। अब हमारे पास नॉर्मल जीमैन इफेक्ट होता है और एनोमेलस जीमैन इफेक्ट होता है। जब हमने कोई भी फील्ड नहीं लगाई थी तो हमें क्या मिल रही थी, जस्ट सिंगल लाइन मिल रही थी जो पर्टिकुलर वेवलेंथ को कोरस्पॉन्ड कर रही थी। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ये किस में स्प्लिट हो रही है, थ्री कंपोनेंट्स में। ये हमारे पास क्या हुआ, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। और ये थ्री कंपोनेंट्स क्या हैं, पोलराइज्ड कंपोनेंट्स हैं। तो इनमें क्या है, हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, जो है सेंट्रल लाइन है इसी के कोरस्पॉन्ड मिल रही है, सिंगलेट लाइन थी उनको तो हम कह रहे हैं पाई कंपोनेंट्स, और जो इसके जो है दोनों साइड मिल रही है उनको क्या कह रहे हैं, सिग्मा कंपोनेंट्स। क्या डिफरेंस है इनमें, जो पाई कंपोनेंट है उसमें अगर वो पोलराइज कंपोनेंट है, हमारे पास पोलराइज लाइन है, तो इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है उसके पैरेलल वाइब्रेट करेगा। सिग्मा कंपोनेंट में क्या डिफरेंस हुआ, सिग्मा कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पाई कंपोनेंट एंड सिग्मा कंपोनेंट्स। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, क्या है एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में और एनोमेलस जीमैन इफेक्ट में मेन आपको जो है जस्ट हम स्टेट से बता सकते हैं। हमारे पास सिंगलेट स्टेट होता है। सिंगलेट स्टेट क्या होता है बेसिकली, अगर आपको याद होगा मैंने कपलिंग में जो है लेक्चर्स डाले थे एलएस कपलिंग, तो क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों की स्पिन क्या हो सकती है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे हाफ माइनस हाफ एम एस वैल्यू से एस मेरी क्या मिल रही हो, जीरो, या दोनों क्या हों, पैरेलल हों, तो वहाँ पे हाफ प्लस हाफ क्या मिलेगा, वन। टू एस प्लस वन हमारे पास जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, अगर एस इक्वल टू जीरो है, टू एस प्लस वन मेरी हो जाएगी वन, दैट इज़ सिंगलेट स्टेट। तो अगर हमारे पास सिंगलेट स्टेट टू सिंगलेट स्टेट ट्रांजिशन हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। तो ये सबसे बेसिक मेथड है आपको आइडेंटिफाई करने का कि वो नॉर्मल जीमैन इफेक्ट है या एनोमेलस जीमैन इफेक्ट है। सिंगलेट स्टेट टू सिंगलेट स्टेट ट्रांजिशन हो रही है, इट मीन्स अब आप अपना आँख बंद करके उसको नॉर्मल जी मैन इफेक्ट ट्रीट कीजिए। इसका हम देखते हैं, शोन बाय ऑल लाइंस ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन सिंगलेट स्टेट्स ऑफ एनेट। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिवोल्व कर रहा है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवोल्व कर रहा है ऑर्बिट में, इट मीन्स इट हैज एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एल हो गया। अब जो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी होगी, वो क्या करती है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, दैट इज़ हमारी म्यू एल मैग्नेटिक मोमेंट। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, दैट इज़ इन जेड डायरेक्शन, जिसको हम बी जेड से भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जैसे ही हमने, ये एल क्या करेगा, प्रीसेस करेगा अराउंड फील्ड डायरेक्शन, फील्ड के अराउंड प्रीसेस करना स्टार्ट कर देगा। ये प्रीसेस कर रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या कर रही है, इधर प्रीसेस कर रही है। जैसे ही हमारे पास प्रीसेस कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, एनर्जी थी प्रीसेस एल के मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रीसेस करने से एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, तो हम सब वो
जिसको इंटरेक्शन एनर्जी कहेंगे या चेंज इन एनर्जी निकालने वाले हैं इसमें. सो इन टर्म्स ऑफ क्वांटम थ्योरी, ए पोली इलेक्ट्रॉनिक एटम पोजेसेस एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा जिसको हम एल से कह रहे हैं. एंड ऑल्सो एन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज डिनोटेड बाई म्यू एल. सो इन सबको मैं जस्ट वर्ड्स में लिख रही हूँ. अब मैं पहले बता चुकी हूँ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ये सब मैं स्पेस क्वांटाइजेशन का मैंने टॉपिक डाला था उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ. दैट इज़ इक्वल टू माइनस ई बाई टू एम. ये माइनस साइन किस वजह से आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. वेयर ई एंड एम आर चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. एज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, सो म्यू एल एंड एल आर इन अपोजिट डायरेक्शंस. ये मैंने डायग्राम से भी दिखाया है, दोनों किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है. अब हम फर्स्ट जो है इक्वेशन का मैग्नीट्यूड लीजिए, म्यू एल बाई एल दैट इज इक्वल टू ई बाई टू एम. अब बात कर रही है जी मैन इफेक्ट की, नॉर्मल की. तो हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे एटम को. ऑन प्लेसिंग एन एटम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज अलोंग जेड डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं बी जेड, तो वैक्टर एल प्रीसेसिज अराउंड द फील्ड डायरेक्शन. तो वेक्टर एल ने क्या प्रीसेस कर दिया, फील्ड डायरेक्शन के अराउंड स्टार्ट कर दिया. ड्यू टू प्रीसेशन ऑफ एल, एल की प्रीसेस करेगा फील्ड के अराउंड, तो हमारे पास एल का क्या मिलेगा, क्वांटाइज्ड कंपोनेंट मिलेगा. किस डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है और एल भी जेड डायरेक्शन के अबाउट प्रीसेस कर रहा है, तो एल का हमें कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, क्वांटाइज्ड कंपोनेंट भी एल जेड. और ये एल जेड की जो है क्वांटाइज्ड वैल्यू क्या होती है, एम एल इंटू एच क्रॉस. एम एल इंटू एच क्रॉस की वैल्यू होती है मेरी एच बाई टू पाई, वेयर एम एल मेरा क्या होता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू क्या लाई करती है, माइनस एल टू प्लस एल, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर माइनस एल टू प्लस एल. तो टोटल वैल्यूज़ क्या हो जाती है मेरी, एम एल वैल्यूज़ 2L प्लस 1 वैल्यूज. सो आई विल सजेस्ट यू, अगर आप जो है जी मैन इफेक्ट करना चाह रहे हैं, उससे पहले जस्ट गो थ्रू द लेक्चर्स ऑफ LS कपलिंग, जो कि मैंने भी अपने लेक्चर्स में डाला हुआ है. ML इज इक्वल टू 2L प्लस 1 वैल्यूज. इट मीन्स दैट इन ए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हुआ, ईच L लेवल इज स्प्लिट इन टू 2L प्लस 1 वैल्यूज. तो L ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगते प्रीसेशन स्टार्ट कर दिया फील्ड डायरेक्शन के अराउंड, तो L की वैल्यूज हमें कितनी मिल गई, 2L प्लस वैल्यूज, 2L प्लस 1. दिस इज नोन एज लार्मर प्रीसेशन. अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, जस्ट बता रही हूँ. तो इसको आप क्या बोलते हो, लार्मर प्रीसेशन. अब लार्मर्स थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है, जैसे ही प्रीसेस कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी प्रीसेशन की वजह से हमें, हमारे पास तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये फॉर्मूला है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का, म्यू एल बाई एल इंटू बी. तो म्यू एल बाई एल की वैल्यू मेरे पास क्या थी, ई बाई टू एम. यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए ई बाई टू एम इंटू बी. अब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी निकाल दी मैंने, फोर्थ इक्वेशन बोल दिया. इंटरेक्शन एनर्जी ऑपरेशन जो है, एटम को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उसकी एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है प्रीसेशन से, या आप बोल सकते हैं इंटरेक्शन एनर्जी ऑपरेशन दैट इज गिवन बाय ओमेगा इंटू एल जेड. ओमेगा की वैल्यू मेरे पास ये है, एल जेड मेरा होता है एम एल इंटू एच क्रॉस, जो कि मैंने थर्ड इक्वेशन से बताया था. दोनों की प्रोडक्ट लीजिए, ई बी बाय टू एम इंटू एम एल बाय एम एल इंटू एच क्रॉस, ये मेरा ओमेगा की वैल्यू है. तो क्या हो गया, ई एच बाय फोर पाई एम इंटू बी इंटू एम एल. सो ये मेरी क्या आ गई, इंटरेक्शन एनर्जी थी, लेकिन वी जस्ट वांट दिस इंटरेक्शन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर. जैसे कि मैंने रोटेशनल स्पेक्ट्रा डाला हुआ है या वाइब्रेशनल है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में मैंने आपने चेक किया होगा, एनर्जी को हम अगर वेव नंबर की टर्म्स में निकाल रहे हैं, जस्ट डिवाइडेड बाय ए फैक्टर ऑफ एच सी. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. तो हमारे पास क्या था, ये ई बी एच एम एल बाई फोर पाई एम, जो कि मेरी इंटरेक्शन एनर्जी आ चुकी थी. दिस वन सेम है जो मेरी फिफ्थ इक्वेशन से. सो यूजिंग इक्वेशन फिफ्थ, इसको डिवाइड कीजिए एच सी से, एच सी एच कैंसिल हो गया, वी आर गेटिंग ई बी बाई फोर पाई एम सी इंटू एम एल. और ई बी बाई फोर पाई एम सी को आप क्या कह रहे हो, एल डेस लोरेंस यूनिट. सो इंटरेक्शन एनर्जी किसकी टर्म्स में हम मिल रही है, एल डेस इंटू एम एल. तो
दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल जी मैनिफेक्ट. ओके, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, थैंक्स.